पवन राव पूछ रहे हैं, रिस्पेक्टेड मैम कैन यू प्लीज टेल अस बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर D2+B प्रेपरेशन। देखो बेस्ट कोई एक सिंगल चैनल नहीं हो सकता और हर किसी के लिए बेस्ट हो ये भी नहीं हो सकता, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, D2+B का कोई सिंगल चैनल तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, बट आपको स्पेसिफिकली अलग अलग सब्जेक्ट के लिए लोगों को ढूंढ लेना है। अब हो सकता है वो D2+B के लिए ना भी हो, लेकिन जैसे जनरल सब्जेक्ट है, अब जो रीजनिंग है वो SSC में भी कॉमन है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इस तरह के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई एक व्यक्ति ढूंढो, जैसे CDP यहां से पढ़नी है, यहां से पढ़ो, कहीं और से समझ में आती है, कहीं और से पढ़ो, ऐसे अलग अलग लोग ढूंढने पड़ेंगे आपको। किसी भी एक चैनल के भरोसे आप नहीं रह सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इवन आजकल की डेट में अगर आप देखेंगे, टीचर्स ही चेंज होते रहते हैं ऐसे चुटकियों में। दो टीचर आज यहाँ थे, वो किसी और पे पहुंच जाएंगे कल, तो वो लोग कहेंगे हमारे पास बेस्ट टीचर्स हैं, जिसके पास आज जो है वो कहेगा यही बेस्ट टीम है दुनिया की। तो मतलब वो थोड़ा सा मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो टीचर्स सारे अच्छे होते हैं, बस आपको समझ में आने चाहिए, तो वो जरूरी है। और टीचर्स तो रोटेट होते रहते हैं, उसका कुछ ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर चैनल या कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ही होगा जहां पे सारे टीचर्स बेस्ट होंगे, ऐसा नहीं है, है ना। आपको खुद ढूंढना है और आपके पास आज की डेट में चॉइस है, आज की डेट में आपके पास चॉइस है। ऐसा मजबूरी नहीं है कि मान लो एक टीचर से समझ नहीं आ रहा लेकिन फीस बढ़ती है फिर तो वो भी देखना ही है, वो वाला सीन नहीं है। तो आपको अलग अलग चैनल ढूंढ लेने चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, और एक चैनल पे भी अगर मल्टीपल टीचर आपको समझ में आ रहे हैं तो वहां से पढ़ लो। तो कोई भी चैनल आप ढूंढ सकते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। हो सकता है किसी को मेरे से भी ना समझ में आता हो सकता है किसी को मुझसे ही समझ में आता हो या किसी और से ही समझ में आता हो, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, ठीक है जी। आगे बढ़ें, ये एक मिनट कहाँ तक के